माधवी, हमारे यहाँ पे जब कोई खुशखबरी देने जाते हैं तो खाली हाथ जाना तो बिल्कुल गलत है। हाथ में पेड़ा लेके ही खुशखबरी देने का हमारा रिवाज है। सही है मुद्रा, जब मैंने प्लांट बेस्ड फूड का स्विच किया तब मैंने लोगों से पेड़ा लेना बंद कर दिया, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि मुझे भी तो अच्छी खबर देनी होती है। मैंने 11 साल पहले प्लांट बेस्ड की तरफ स्विच किया और आज तक मैंने पेड़ा ट्राई नहीं किया। तो आइए आज देखते हैं मलाई पेड़े की रेसिपी। नमस्ते, मैं मुद्रा। और मैं माधवी। आज की मलाई पेड़े की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं 4 टेबलस्पून्स ड्राई डेट पेस्ट, 1 कप कैशूज, 3 टेबलस्पून्स डेट पेस्ट, 30 ग्राम्स टोफू, 3 टेबलस्पून्स डेसिकेटेड कोकोनट, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 पिंच सॉल्ट। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को स्पॉन्सर किया है और हम तक पहुंचाया है गेट मोक्षा ने, जहां से आप भी भारत में कहीं भी क्रूल्टी फ्री और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स घर बैठे मंगा सकते हैं। तो अब हम ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, लेकिन इसके पहले कैशूज की पाउडर बनाएंगे। तो मुद्रा, ये कैशू की पाउडर बनाते समय ध्यान रखना कि इसे ज़्यादा तेज़ी से ना घुमाएं, नहीं तो इसकी पेस्ट बन जाएगी। हमें पाउडर बनानी है, तो बेसिकली मुझे वो पल्स करते जाना है हाँ, धीरे धीरे। धीरे धीरे पल्स करना ताकि इसकी अच्छी पाउडर बन जाए। इसे और थोड़ा और बारीक करना पीसना पड़ेगा, है। हाँ बस, अब ये ठीक लग रहा है? हाँ बिल्कुल। अब सबसे पहले ये कैशू पाउडर हम लेंगे बोल में। और फिर सारे इंग्रेडिएंट्स बोल में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। एक चुटकी नमक डालना है। और ये टोफू थोड़ा ऐसे क्रश करके ओके। डाल देंगे, क्योंकि ये मलाई पेड़ा है ना, तो इसलिए टोफू डलता है। ये हमारा होममेड बढ़िया फ्रेश टोफू हम यूज कर रहे हैं आज। अच्छे से डो की तरह इसको मिक्स करना है। ये डेट जो पेस्ट जो है वही इसे वो गीलापन देती है जो जरूरी है पेड़ा बनने के लिए। इस वीडियो के स्पॉन्सर है द पॉलिनेशन प्रोजेक्ट, एक ऐसी संस्था जो साधारण लोगों की असाधारण सोच को उड़ान देके उन्हें समाज में एक चेंज मेकर बनने की सहायता कर रही है। तो पॉलिनेशन प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे जरूर जाए और उनके बारे में और जानिए। तो इसका जो पेड़े का जो स्वीटनेस है वो डेट से ही आता है, इसमें हाँ अलग बिल्कुल से शक्कर डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। नहीं, जब आप टेस्ट करोगी तो आप बिल्कुल, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें शुगर नहीं डली है, इतना सुंदर स्वीटनेस इसको आ जाता है। तो ये बन गया है, इसके छोटे छोटे लड्डू बना के हम इसको आकार देंगे, और चाहे तो एक पिस्ता या ऐसा कुछ ड्राई फ्रूट इस पे लगा सकते जाके, ताकि इसका अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाए। तो ये बन गया हमारा शरण इंडिया की रेसिपी से इंस्पायर्ड मलाई पेड़ा। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप एक पेड़ पे नहीं रुक सकते। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये पेड़ा ट्राई करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और तब तक करते रहिए ड्रिंक ड्रिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव।